फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता किचन एंड आर्ट। फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। मैंने किस तरीके से अपने किचन को, जो कि बिल्कुल ही मॉड्यूलर नहीं है और न इसमें सेल्फ है, बिना सेल्फ वाले किचन में आप सामान किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यही आइडिया मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ। बहुत सिंपल सा मैंने किया डेकोरेशन फ्रेंड, ज़्यादा कुछ भी नहीं है और वही मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सिंपल से किचन में भी आप सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरीके से रख सकते हो। तो बस ये आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, इतनी आपकी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो भी है आपके, तो ग्रुप में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी बिना सेल्फ वाली किचन को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे सामानों को जमाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा किचन का जो है डोर है, आप देख पा रहे हैं। तो डोर के जस्ट बगल में मैंने ये देखिए मनी प्लांट के एक गमले में पौधे लगाए हुए हैं। मुझे काफ़ी पसंद है मनी प्लांट, तो इसलिए इसे किचन के बगल में ही रख दिया है, मतलब गेट के बगल में ही। और यहाँ छोटा सा आप देख पाएंगे, मैंने तुलसी का पौधा अभी लगाया, मैंने एक दो दिन हुए इसे लगाए हुए, काफ़ी छोटा सा है। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से है मेरा किचन का सामने जो है वो, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है जो मनी प्लांट है वो। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जो हमारे गैस वाले कॉर्नर है वहाँ से। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये देखिए गैस रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गैस रखा है। ये लकड़ी का एक टेबल है जिसे मैंने बनवाया है। पहले मेरा गैस अलग जगह रहता था, पर वो हाइट काफ़ी ऊँची हो जाती थी, मुझे दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा जो है डेस्क बनवाया, टेबल बनवाया, तो इसी के ऊपर मैंने गैस जो है रख दिया है। और आप सोच रहे होंगे रैक्सिन बिछा दिया, तो रैक्सिन फ्रंट सिर्फ इतने में ही है, अंदर रैक्सिन नहीं है। तो ये देखिए, क्योंकि अंदर जो है गर्म होती है इसलिए मैंने कटिंग कर दिया इस तरीके से। और ये सामने मैं चौफ वगैरह करती हूँ तो लकड़ी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये रैक्सिन जो है बिछा दिया है ताकि पानी से ख़राब ना हो। और यहाँ है मेरा सिलेंडर जस्ट बगल में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सिलेंडर के लिए मैंने एक चीज़ खरीदी है, ये काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। ये देखिए फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है सिलेंडर रखे रखे नीचे जो है दाग आ जाते हैं, जो काफ़ी ज़िद्दी दाग होते हैं, बहुत टाइम से निकलते, तो इसलिए ये देखिए ये इसमें लगे हुए चक्का जो बढ़िया है, कहीं भी आपको झाड़ू पोछा करना है ना तो ईज़िली आप इसे सरका सकते हैं। ये देखिए ईज़िली ये सरक जाता है, काफ़ी बढ़िया है ये। तो ये मुझे 265 रुपये कुछ की मिली थी, तो ये बहुत बढ़िया, ऑनलाइन अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया इसे। तो ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ जस्ट है विंडो, विंडो के पास ही मैं खाना बनाती हूँ। और यहाँ भी मैंने एक जो केचप की बोतल है उसमें मैंने मनी प्लांट जो है लगा दिए हैं, आप देख पाएंगे। ये देखिए, इसे भी लगाया है लगभग 2 से 3 दिन हुए हैं, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। ये जो है ना, ये कली अभी निकली है ये, और ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने लगाया। चलिए इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले एक मैंने ट्रे लिया है, ट्रे में मैंने जो भी हम सब्जी बनाते हैं तो यूज़ होता है, जिसमें होता है हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और ये है तेल, हींग, ये सब चीज़ें हैं। इस वाले डिब्बे में पूरे मेरे जो मसाले हैं सब्जी में जो यूज़ होता है वो सब कुछ इसमें मैंने रख दिया है गैस के पास ही, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इसमें भी कुछ गर्म मसाले वगैरह, चाट मसाले वगैरह इसमें हैं। और सब्जी के लिए अगर मैं चूल्हे में बनाती हूँ तो ये पूरा डिब्बा उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही मैं उठा के ले जाती हूँ और इसमें से मेरा चूल्हे में भी खाना बन जाता है। और ये देखिए एक डिब्बा है, इसमें भी कुछ गरम मसाले वगैरह मैंने रख दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड, जस्ट बगल में मैंने एक और ट्रे रखा हुआ है, उसमें मैंने मेरी बेबी के जो है वाटर बोतल और टिफिन बॉक्स रख दिए हैं, आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने रख दिया है। और ये है चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, जो मैंने ऑनलाइन से अमेज़ोन से ऑनलाइन परचेज़ किया, ये भी काफ़ी बढ़िया, ये मुझे 139 के मिले और बहुत बढ़िया इसका काम है फ्रंट। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट्स कुछ ऐसा मैंने किया है, और ये कुछ प्लास्टिक के बाउल्स हैं जिसे मैंने आटा गूंथने या फिर चीला और किसी भी चीज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ, ये वो है। यहाँ देखिए एक इस तरीके से मैंने
रेक लिया है, प्लास्टिक की रेक है फ्रेंड ये। और इसमें मैं जो रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ कांच के बर्तन बाउल्स वगैरह वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, आप देख पाएंगे इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा है कि तीन खंड इसमें दिए हुए हैं, और ये मुझे मिले थे 250 रुपये के, और तीन खंड दिए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया से बर्तन इसमें आ जाते हैं। आप चाहो तो इसमें कप और ये सब चीज़ें जो मसाले वगैरह हैं डिब्बे में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ ये रखा हुआ है, ये देखिए, और यही मैंने अप्पे के साँचे रख दिए हैं क्योंकि मैंने जो है अप्पे बनाना होता है तो यही रख देती हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये है पाँच पाँच बाउल का सेट और ढक्कन लगा हुआ है, इसमें बढ़िया से ढक्कन दिया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। और इसे मैंने लगभग 5 साल पहले ख़रीदा था 175 रुपये में, आप यकीन नहीं करोगे, 175 रुपीज़ का ये है, और शायद अभी तो मिलना मुश्किल होगा 175 में। ये बहुत पहले मैंने 5 साल पहले ख़रीदी थी तो मुझे मिल गया था, और इसे भी मैं रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। आप जो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो क्योंकि ये एयर टाइट ढक्कन है इसमें और काफ़ी बढ़िया से स्टोर हो जाएगा। और वही बगल में आप देखेंगे फ्रेंड, एक इस तरीके से मैंने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसमें आप देख पाएंगे मैंने क्या क्या सामान रखी है, चाकू रखे हैं, और ये आप देख पाएंगे नींबू निचोड़ने का है, ये आलू छिलने वाला है, लाइटर है, ये देखिए चाकू है इस तरह के, ये देखिए जिसे हम किसने का काम करते हैं किसी चीज़ को, ये है। तो ये सारी चीज़ें और कैंची वगैरह लाइटर वगैरह, और आपको दिखाना चाहूँगी ये देखिए, कभी कभी जैसे कि ये है ढक्कन है इसका, तो कभी कभी ये ढीला हो जाता है, ये देखिए, तो ये सब चीज़ें कसने के काम आते हैं, तो मैं ज़रूर एक जो है अपने किचन में रखती हूँ, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट बगल में ये कप है, तो ये इसका जो हैंडल है वो टूट गया था फ्रंट, तो इसे मैंने यूज़ किया हुआ है इस तरीके से, आप देख पाएंगे बेलन वगैरह रखने के लिए, ये देखिए चम्मच बेलन, और ये है दाल गलाने का लकड़ी का, चिमटी वगैरह मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। यही जस्ट बगल में है मेरा ओखली, ये देखिए, जो अदरक वगैरह लहसुन वगैरह कूटने का काम आता है। जस्ट बगल में मैंने रखा हुआ है जूसर, क्योंकि मेरे बच्चों को जूस पसंद है तो जूसर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जूसर मैंने यही रख दिया है। और यह है हैंड ब्लेंडर, देखिए फ्रेंड ये हाथ से ब्लेंड होता है, कोई भी चीज़ को अगर आपको करना है तो इजीली इससे हो जाता है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया है ये। और ये भी हमें मिली थी 250 रुपये में, मेरे हस्बैंड इसे लेके आए थे, उनके ऑफिस में बेचने वाले आए थे वहीं से वो लेके आए थे, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और ये है मिक्सी का जार, यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई वगैरह रख दी है जो चूल्हे में हम यूज़ करते हैं, वो कढ़ाई है, ये भी जो चूल्हे में यूज़ होती है, कुकर है, यहाँ हॉट पॉट है, आप देख पाएंगे ये वाला रेक मेरा कुछ इस तरीके से है। ये देखिए फ्रेंड, और आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, इसके जस्ट ऊपर एक जो है पत्थर हम लोग लगवा दिए थे, उसमें मैं यहाँ जो किचन में यूज़ होता है ना, जैसे कि लाइजोल है, हार्पिक जो वॉश बेसिन के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और यहाँ कॉलिन है, ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ रख दी हूँ। आप लोग को रखे लगेगा कि गैस के पास ही आपने रख दिया है, पर ये कोई दिक्कत नहीं होता फ्रेंड, इसे मैं गैस साफ़ करने के लिए या फिर वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इसे यहीं रख देती हूँ। तो ये देखिए कोने में है मेरा वॉश बेसिन, उसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम ही यूज़ होता है, क्योंकि हमारे घर टंकी नहीं लगा हुआ है जिससे एनी टाइम पानी नहीं आता है, शाम या सुबह ही पानी आता है, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं होता है फ्रेंड। और आप देख पाएंगे ये जस्ट नीचे है जहाँ आलू प्याज की टोकरी है, अभी ख़त्म हो गया है क्योंकि आज मार्केट हमारे गाँव की, इसलिए तो यहाँ मैं ये रखती हूँ आलू प्याज, जिनखंड वाला टोकरी है फ्रेंड, तो इसमें मैं रख देती हूँ। और उसके ऊपर जस्ट आप देखेंगे ये बर्तन का रेक है, और ये जो रेक है इजीली आपको मिल जाएंगे 1500-2000 के आसपास में, तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे बर्तन जो है आ जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैं थाली वगैरह रखती हूँ, ऊपर में कुछ गंजी वगैरह है, और यहाँ कांच के गिलास, और ये जो है फाइबर के कटोरी हैं बाउल, यहाँ चम्मच है, और यहाँ टिफ़िन बॉक्स वगैरह कुछ कुछ, और यहाँ आप देख पाएंगे चाय छानने का है, छलनी किसने का है, हैंड ब्लेंडर है, और ये देखिए जब हम प्याज वगैरह किसते हैं वो है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखे हुए हैं। इस साइड पर आएंगे आप तो आपको दिखेगा फ्रेंड मेरा इंडक्शन वाला एरिया,
ये देखिए यहाँ मेरा जो है इंडक्शन रखती हूँ मैं, और ये जस्ट साइड पे आपको दिखेगा मेरा मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर, और ये इंडक्शन है। और इंडक्शन में ही मैं चाय हमेशा बनाती हूँ, कभी भी मैं गैस में नहीं बनाती, जब भी लाइट बंद हो तभी गैस में बनता है, नहीं तो इंडक्शन में ही बनता है। तो इसलिए फ्रेंड इंडक्शन के बगल में ही मैंने रखा हुआ ट्रे, दो ट्रे रखा हुआ है, जब ज़्यादा मेहमान आते तो बड़े वाले में, बाकी घर में छोटे वाला ट्रे यूज़ होता है। और ये जो है कप रखने का जो स्टैंड है, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि इसे अभी अभी मैंने ख़रीदा, ज़्यादा समय नहीं हो, शायद 2 महीने हुए होंगे, और ये मुझे 155 रुपये के कुछ मिले थे, और इसमें 12 सेट है, मतलब ये 12 दिए हुए हैं, तो इसमें आप 12 कप जो है लटका सकते हो, ये देखिए हैंग कर सकते हो किस तरीके से मैंने किया हुआ है, और काफ़ी बड़े बड़े दिए, तो आप इसमें 2-2 कप भी डाल सकते हो इस तरीके से, ये देखिए 2 कप भी आ सकते हैं इजीली। तो 12 का सेट है फ्रेंड, और इसी के जस्ट नीचे ये देखिए कुछ इस तरीके से खंड बना हुआ है, मैंने बताया था ना कि सेल्फ नहीं है, तो सबसे पहले वाले जो ड्रम है उसमें रखते हैं हम लोग चावल, सेकंड वाले में है आटा, और खुला वाला आटा देखिए मैंने ऊपर ही रख दिया अभी आटा जब रोटी बनाई, तो चावल है, आटा है, और ये ऑयल है, ये तेल का टिन है, पूरा 15 लीटर का टिन होता है जो हमारे घर आता है हर मंथ में, तो इसमें मैंने लगा दिया, आप देख पाएंगे नल वाला सिस्टम है, इसे मैंने उल्टा कर दिया, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है मैं उसे सीधा कर देती हूँ, और डिब्बों को टिका करके जो ऊपर व्हाइट कलर का दिया है उसे ऊपर खींचते हैं, तो नल के थ्रू जो है ऑयल बाहर निकलता है, डिब्बे में आता है, तो ये बहुत बढ़िया है। इसे भी मैंने 180 रुपये के आसपास में ख़रीदा था। और इधर आ जाते हैं फ्रेंड, सबसे ऊपर में है कुछ बर्तन है, और यहाँ ये देखिए ड्रम है, जर्मन के ड्रम है, तो सबसे पहले वाले में है पोहा, आप लोग को लगेगा कि इतना सारा सामान है, तो बिग फैमिली फ्रेंड, 12-13 लोगों का फैमिली है, तो महीने में मेरे घर राशन आता है, तो इसमें पूरा 3 से 4 किलो, 4 किलो के आसपास पोहा रहता है, और एक में होता है दाल, और ये फर्स्ट वाले में है शक्कर, और एक में है उड़द दाल, और जस्ट नीचे वाला खंड में आप आओगे तो ये देखिए फ्रेंड मेरा कुछ डिब्बा इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, जिसमें होते हैं 2 में मैंने दाल रखे हैं जो अरहर के दाल हैं, और इधर ब्लैक दाल रखे हुए हैं, और सभी में चने दाल, सभी कुछ मिला के ये देखिए सब चीज़ रखा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ मैंने रखा है जीरा, सरसों, ये है सोडा, और यहाँ मसाले, तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंड। और ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था, 550 रुपये का मुझे मिला था, ये 20 डब्बा का सेट, पूरा 20 डब्बा है उनका, पूरा सेट मिला था 550 का। और ये देखिए फ्रेंड इसमें मैंने रखा है शक्कर, जो अभी ऊपर से मैंने डाला हुआ नहीं है, ये देखिए कम हो गया पूरा, और यहाँ है चाय पत्ती, पूरा महीने का होता है, और इसमें है अजवाइन, ये देखिए बेसन, तो इस तरीके से मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। और पीछे आप देख पाएंगे ये अचार है, अचार का कोई डस्टिंग ऊपर ढक्कन में आ गया है, और इधर आप देख पाएंगे बॉर्नविटा के कुछ डिब्बे में मैंने और मसाले वगैरह रखे हैं, और यहाँ ये 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर में जो है मैंने चने रख दिए हैं, चने काफ़ी ज़्यादा आ गए थे घर में, तो इसलिए इन 3 कंटेनर में चने रख दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड ऊपर से आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा ये वाला खंड है, और सबसे नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा 4 जो है स्टील के ड्रम, तो इसमें होते हैं, एक ड्रम में होते हैं बच्चों के खाने पीने के सामान जैसे टोस्ट बिस्किट वगैरह हो गए, एक ड्रम में होते हैं फ्रेंड मैगी पास्ता वगैरह और सेवई जो बच्चे लोग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और एक ड्रम में जो होते हैं पूरे हल्दी मिर्च जो होते हैं ना, जो पैकेट में आते हैं 1-1 KG के पैकेट में आते हैं, तो मैं डिब्बे में तो डाल देती हूँ, बाकी बचता है उसे मैं यहाँ बांध के रख देती हूँ, और एक डिब्बे में होते हैं कुछ कुछ मुरमुरे वगैरह जो भेल वेल के लिए काम आता है, तो वो सब चीज़ें होते इधर पे, और उसमें है अचार, आम के अचार रखी हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से है मेरा ये वाला खंड। और इधर आ जाते हैं फ्रेंड, आपको लगे दिखेगा कि एक और बर्तन रैक मैंने रखा हुआ है, तो फ्रेंड एक बर्तन रैक से मेरा बर्तन जो है नहीं आता है, तो इसलिए मैंने 2 बर्तन रैक लगाए हुए हैं, तो इधर देखिए फ्रेंड यहाँ भी मैं देखिए टिफिन बॉक्स वगैरह जिसमें दूध वगैरह लाने का यूज़ होता है, ये सब्जी धोने का छलनी, कुछ गंजी वगैरह, इधर गिलास हैं, यहाँ लोटे वगैरह हैं, और ये कुछ थाली प्लेट्स वगैरह हैं, ये नाश्ता प्लेट्स है, और यहाँ ये देखिए टिफिन बॉक्स है, और यहाँ चम्मच वगैरह, पेन वगैरह, चाय बनाने का कैंडल और चम्मच वगैरह लटके हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से है मेरा ये वाला कॉर्नर। ज़्यादा सामान मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि
सभी सामान को निकालना, और बच्चे लोग तो काफ़ी बदमाशी करते हैं आप लोग को तो पता ही है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरा फ्रिज है और फ्रिज के ऊपर मैंने एक जो है फ्लावर रख दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए फिर मेरा गेट है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ सभी चीज़ों को एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा किचन कुछ इस तरीके से दिखता है। एक बार सभी चीज़ों को आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं ज़्यादा सामान तो नहीं रखती हूँ किचन में, क्योंकि सभी बर्तनों को धोना, रोज़ रोज़ सभी बर्तन धोते तो काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाता है, तो इसलिए इतना सामान है मेरे रूम किचन में। और मेरे पास ओवन वगैरह नहीं है फ्रेंड, आपको दिखेगा कि ओवन वगैरह नहीं है। तो देखा फ्रेंड आप लोगों ने मैंने किस तरीके से अपने किचन को जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आप लोगों को मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।